भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहुंच चुके हैं मुंबई। पावर स्टार पवन सिंह अब बन गए हैं सुपर एक्शन किंग। जी हां, सुपर एक्शन किंग हम गलत नहीं बोल रहे हैं। यहां पहुंचते ही पवन सिंह ने पहला ये काम किया कि इनके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उन सभी के लिए लाइन अप कर लिया है कि क्या उन्हें पहले करना है, क्या उन्हें बाद में करना है। और पवन सिंह के फैंस के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, हो सकता है कि जल्द ही ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ आए मुंबई में। जी हाँ, मुंबई में जल्द ही ज्योति सिंह आ सकती हैं और पवन के मलाड वाले फ्लैट में, जो कि उन्होंने सिर्फ शादी के बाद ज्योति के लिए ही लिया था। और जल्द ही ये दोनों एक हो सकते हैं। और उससे भी बड़ी खबर ये कि पवन सिंह जल्द ही अपने कई नए प्रोजेक्ट पे तो काम शुरू करेंगे ही, वो अपने हिंदी गानों पर भी काम शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ, अब हिंदी में मिल रहे इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद कमरिया हिला रही है। जो सॉन्ग आया था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, वो गाना जल्द ही 1 मिलियन लाइक पूरा करने वाला है यूट्यूब पे। और आपको बता दें, इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद पवन सिंह जल्द ही अपना दूसरा हिंदी गाना भी अनाउंस करेंगे। लेकिन उसके भी पहले उनके जितने भी भोजपुरी के अभी पेंडिंग वर्क हैं, जिसको उन्होंने छोड़कर लॉकडाउन के समय बिहार चले गए थे, उन्हें आकर सबसे पहले पूरा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हैं। और धीरे धीरे अब लॉकडाउन की स्थिति देश में ख़त्म हो रही है, फिर से काम शुरू हो रहे हैं, तो इस वजह से पवन सिंह अपना सारा फोकस इस वक्त काम पर ही रखेंगे। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अब पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार माने जाते हैं, कि उनके दूसरे सॉन्ग के लिए लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।